नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज के सुर्खियों पर एक नजर। काफी गहमागहमी के बीच पूर्वी चंपारण जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हुआ चुनाव। ममता राय अध्यक्ष जबकि उपाध्यक्ष पद पर गीता देवी हुई निर्वाचित। छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर में मिला बिजली ठेकेदार का शव। शव मिलने से इलाके में है सनसनी। परिजनों का रो रोकर है बुरा हाल। नरकटियागंज में ठिठुरते ठंड से अलाव की व्यवस्था कर रहे नगरवासी। नगर प्रशासन से अलाव की व्यवस्था करने की लोगों ने की मांग। मझौलिया में वार्ड सचिवों ने सेवा विस्तार के लिए की बैठक। वीडियो को सौंपा ज्ञापन। सुगौली प्रखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। ठंड के कारण घरों में दुबके रहे लोग। फेनहरा प्रखंड अंतर्गत हाजी फरजंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 15 से 18 वर्ष के उम्र के युवाओं का हुआ टीकाकरण। नरकटियागंज प्रखंड कृषि कार्यालय के एक कर्मी पर किसानों से अवैध उगाही का लगा आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। नरकटियागंज में भी 15 से 18 वर्ष के किशोर के लिए टीकाकरण की हुई शुरुआत। उत्साहपूर्वक टीका लेने पहुंच रहे किशोर। सिकटा विधायक ने किया हरबोड़ा नदी का निरीक्षण। चीनी मिल के केमिकल युक्त पानी को नदियों में आते देख जाहिर की नाराजगी। मोतीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौसौलिया में 15 से 18 वर्ष के आयु के 100 किशोर व किशोरियों को लगाया गया कोरोना का टीका। बिहार में लागू शराबबंदी के प्रति जागरूकता को लेकर मदरसा अंजुमन इस्लामिया के प्रांगण में जागरूकता रथ को किया गया रवाना। और अगरवा स्थित चेरा मेरी मेमोरियल हाई स्कूल के प्रांगण में शिविर का हुआ आयोजन। 15 से 17 आयु वर्ष के 62 बच्चों को लगा कोविड से बचाव का टीका। आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक नंदकिशोर शाह की उपस्थिति में समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन भवन में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण एवं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन शांतिपूर्ण स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हुआ। सर्वप्रथम जिला अधिकारी द्वारा सभी नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को पदीय कर्तव्य का शपथ एवं नशा मुक्ति का शपथ ग्रहण कराया गया, जिसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जहां सभी नव निर्वाचित 57 जिला परिषद सदस्य उपस्थित थे। मतपत्र के माध्यम से हुए चुनाव में ममता राय को 45 मत और नीतू गुप्ता को 10 मत प्राप्त हुए एवं 2 मत अवैध पाए गए। इस प्रकार ममता राय जिला परिषद अध्यक्षा बनाई गई, जिसके बाद विधिवत रूप से जिलाधिकारी सह अध्यक्ष ने ममता राय को प्रमाण पत्र दिया। वहीं उपाध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में गीता देवी को 31 मत एवं प्रियंका जायसवाल को 26 मत मिले। इस प्रकार गीता देवी उपाध्यक्ष बनाई गई। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी के साथ साथ सभी नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य उपस्थित थे। जिला पद के अध्यक्ष पद पर चयनित हुई, इस 9 वर्ष पर सभी पत्रकार और मीडिया भाई को बधाई देती हूँ और सभी जिले सम्मानित जिला परिषदों का मैं सम्मान करती हूँ और उन्हीं के मदद से मैं जीती हूँ। मोतिहारी के बड़ा बरियारपुर के रहने वाले बिजली के एक ठेकेदार वीरेंद्र कुमार शाह की हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि मृतक बिजली विभाग का एक बड़ा ठेकेदार था, जिसकी हत्या कर उसके घर के बगल में ही शव को फेंक दिया गया। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी गुड़िया देवी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। उनका कोनो दोस्त रलई हवे के नाव के और राजौरी के उहे गाड़ी एकदम ले गए रलई मुजार का मांग के वही पर केस कर ले रलई नौकरे पर काहे ला कइले रल गाड़ी ना दे रलई ना लोन भरई रलई वही ला दे कइले रलई हवे। अच्छा, तो कैसे झगड़ो होत रल ख ई नाई की जने झगड़ा उपद्र लई ना आ बाबू रे तो कल आइलो रल निया ना ना दैलो रो बिजली कटी सारी राजवा वर करई लई ना कहां पर मोतिहारी की बा हो मोतिहारी है। वहीं मृतक का मोटरसाइकिल भी गायब था।
बताया जा रहा है कि मृतक का किसी युवक से पैसे व गाड़ी की लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं घटना की सूचना पर छतौनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच प्राथमिक जांच के बाद शव को अंत परीक्षण के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली खबर नरकटियागंज से है, जहां सर्दी के भीषण प्रकोप के बाद भी अलाव की व्यवस्था कराने में नगर प्रशासन अब तक विफल साबित हुई है। नगर में कहीं भी अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोग खुद अपने स्तर से आग की व्यवस्था कर शरीर को गर्म करने की जुगाड़ कर रहे हैं। वहीं नगर के मेन रोड में अलाव ताप रहे शेख भोला, विजय राम तूफानी, बिट्टू जायसवाल, सागर श्रीवास्तव आदि ने प्रशासन से अलाव की व्यवस्था कराने की मांग की है। पड़ रही कड़ाके की ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को जगह जगह अलावा का व्यवस्था कराना चाहिए। हम अपने तरफ से यहाँ नरकटियागंज के पुष्पांजलि चौक के पास लकड़ी मंगाए और जला रहे हैं, और सवेरे से बहुत लोग आए, आग तापे, बहुत राहत उनको मिला। इसलिए नगर प्रशासन भी अलावा का व्यवस्था करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। मसौलिया प्रखंड क्षेत्र के सभी वार्ड सचिवों ने मोतीलाल उच्च विद्यालय मसौलिया स्टेडियम में एक बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यरत वार्ड सचिवों के अनुभव के आधार पर सेवा विस्तार करने के संबंध में हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन सौंपा गया। वार्ड सचिव के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि विगत 4 वर्षों से सभी वार्ड सचिवों द्वारा सरकार के बताए गए नियमानुसार सेवा भाव से तत्पर होकर कार्य किया है और बहुत से अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। इसी को देखते हुए उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर की गई है कि दोबारा कार्यरत वार्ड सचिवों के अनुभव के आधार पर सेवा विस्तार किया जाए। सुगौली प्रखंड क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ठंड के कारण अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। बाजार में ग्राहक नहीं आने से सन्नाटा पसरा हुआ है। खासकर पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था में कठिनाई हो रही है। किसी तरह पशुपालक इस ठंड में मवेशियों की व्यवस्था कर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए गांव में लोग अलाव की व्यवस्था किए हैं। फिनहरा प्रखंड क्षेत्र के हाजी फरजंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के युवाओं के टीकाकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अफरोज आलम, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर हेमल, केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। यहां सभी 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को कोवैक्सीन की खुराक दिया जाएगा। वहीं प्रखंड के बीआरसी भवन फेनहारा में चौथे सप्ताह का लकी ड्रॉ विजेताओं को प्रखंड विकास पदाधिकारी वीना मिश्रा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुशांत पांडे, केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक संतोष कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से लकी ड्रॉ विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक संतोष कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार एवं केयर इंडिया के सहयोग से चलाया जा रहा है। नरकटियागंज प्रखंड कृषि कार्यालय के एक कर्मी द्वारा किसानों से अवैध उगाही का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड के बरवा बरौली पंचायत कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र प्रसाद द्वारा गन्ना फसल क्षति के आवेदन के साथ किसानों से अवैध रकम की वसूली का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि पंचायत कोऑर्डिनेटर द्वारा फॉर्म के साथ किसान से पैसे की लेन देन की जा रही है। हालांकि एसटीवी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में पीड़ित किसान ने बताया कि पहले कई दिनों तक कृषि कार्यालय का चक्कर लगाया गया, जिसके बाद कोऑर्डिनेटर के द्वारा रेलवे स्टेशन पर बुलाया गया, जहां फॉर्म के साथ पैसे की मांग की गई। आगे पीड़ित किसान ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मैंने क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया और आवेदन करके आवेदन फॉर्म किसान सलाहकार को दे रहे थे। किसान सलाहकार बोले कि आवेदन फॉर्म ले आके ब्लॉक में जमा कराइए। तो हम ब्लॉक में गए तो हमारे यहाँ के कृषि समन्वयक जो है बीरेंद्र प्रसाद, उनका नंबर हमें कहीं से मिला। तो हम उनके पास फ़ोन किए, बोले कि सर हम देखे ना गन्ना किसान वाला क्षतिपूर्ति वाला फॉर्म ऑनलाइन किए हैं, जमा कराना है उसको। तो बोले कि आप स्टेशन पर चले आइए। हम बोले कि कहाँ स्टेशन पर, तो नरकटिया बाजार स्टेशन पर आइए। तो हम नरकटिया बाजार स्टेशन पर गए तो हमें टिकट घर के पास मिले। तो मिले तो उनको हम जाकर फॉर्म दिए, फॉर्म दे के उसके बाद बोले कि सर तब हम चले। तो बोले कि ना खर्चा देना पड़ेगा। तो हम बोले सर का दिया, तो 1000 रुपया लगता है। तो हम बोले कि सर 1000 रुपया नहीं है, 500-600 रुपया है हमारे पास। तो हम उनको 600 रुपया दे के आए, तो वो फॉर्म लेके हमारा चले गए।
वहीं जब इस विषय पर प्रभारी कृषि पदाधिकारी श्रीकांत ठाकुर से प्रक्रिया लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस विषय पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना कर दिया। नरकटियागंज में भी सरकार द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीका शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 वैक्सीनेशन आज से लगने का दौर शुरू हो गया है। गौरतलब हो कि नरकटियागंज समेत देश भर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन शिविर का आयोजन पूरे देश में किया गया। हमारे नरकटियागंज नगर परिषद के पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए आज कन्या मध्य विद्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया है। बच्चे लोग बहुत उत्साह के साथ आए भी हुए हैं और वैक्सीनेशन लगवा भी रहे हैं। मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में पहुँच के वैक्सीन सेंटर पर कोरोना का टीका लगाएं और देश को सुरक्षित रखें। ये खबर भी नरकटियागंज से ही है। यहाँ सिट्टा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने चीनी मिल से सटे हरबोड़ा नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने चीनी मिल के केमिकल युक्त पानी को नदियों में आते देख अपनी नाराजगी प्रकट की। नरकटियागंज के हरबोड़ा नदी में मगध शुगर इंडस्ट्री केमिकल युक्त पानी हरबोड़ा नदी में बहाया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और CGM न्यायालय ने दूषित उत्प्रवाह पर रोक लगा दिया है। बावजूद इसके न्यायालय के आदेशों की अवहेलना चीनी मिल के द्वारा किया जा रहा है, जिससे लगातार जलीय जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, नदी के आसपास के गांव पशु के नहाने लायक भी पानी नहीं है। हालांकि बीते दिनों सिट्टा विधायक ने नदियों में रसायन युक्त पानी को नदी में बहाने को लेकर विधानसभा में सवाल भी किया था, लेकिन सवाल के जवाब में आया था कि किसी भी चीनी मिल द्वारा नदियों में प्रदूषित जल का प्रवाह नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विधायक ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। इस मामले में तो हमने पिछले विधानसभा सत्र में सवाल उठाया था कि यहाँ पश्चिम चंपारण की जो चीनी मिलें हैं वो अपना गंदा पानी जो है केमिकल युक्त पानी वो नदियों में गिरा रही हैं। अभी हम लोग यहाँ पर हरबोड़ा नदी के पास हैं, नरकटियागंज चीनी मिल का गंदा पानी यहाँ इस नाले से गिर रहा है और ऐसे ऐसे यहाँ लोग कह रहे हैं कि और 5 नाले हैं जिससे लगातार पानी इस नदी में जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये नरकटियागंज चीनी मिल के द्वारा, लौरिया चीनी मिल के द्वारा, बगहा चीनी मिल के द्वारा, हरिनगर चीनी मिल के द्वारा, तमाम चीनी मिलों के द्वारा जो है पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। और जहाँ भी नदी में पानी जो है गंदा पानी गिर रहा है वो वहाँ की मछलियाँ मर जा रही हैं, जलीय जीव जंतु मर जा रहे हैं, पूरे लोगों का बदबू से रहना, अगल बगल के गांवों के सैकड़ों गांवों के लोगों को बदबू से रहना मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से एक तबाही है, पर्यावरण को ये पूरे तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विधानसभा में इसके लिए आवाज़ उठाया गया है? तो विधानसभा में ये आवाज़ उठाया गया, लेकिन विधानसभा में जो जवाब दिया सरकार ने, उसने कहा कि कहीं कोई पानी नहीं गिराया जा रहा है उसका। जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी चंपारण के सौजन्य से आज मोतिहारी शहर के अगरवा स्थित चेला मेरी मेमोरियल हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित शिविर में विद्यालय के 15 से 17 आयु वर्ग के 62 बच्चों को कोविड का टीका लगाया गया। शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार ने फीता काट कर किया। उद्घाटन भाषण में सिविल सर्जन ने बच्चों को उत्साहित करते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, यह टीका रक्षा कवच है, इसे सभी को लेना चाहिए। उन्होंने बच्चों को टीका लेने के बाद अपने मित्रों पड़ोसियों को भी इसके लाभ के बारे में बताने को कहा। कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए युवाओं को इस खतरे से बचाने के लिए टीकाकरण को लेकर मोतीलाल उच्च माध्यमिक विद्यालय मझौलिया में 15 से 18 वर्ष के 100 किशोर किशोरियों को कोरोना के कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। इस दौरान कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण को लेकर किशोर एवं किशोरियों में काफी उत्साह देखा गया। हम लोग हाई स्कूल मझौलिया में हैं, यहाँ 15 से 18 किशोर किशोरियों का वैक्सीनेशन हो रहा है, कोवैक्सीन हो रहा है। कल और भी यहाँ पड़ेगा, इसके अतिरिक्त 2 और हाई स्कूल माधवपुर और सरिसवा में वैक्सीनेशन होगा। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए हर तरफ जागरूकता फैलाया जा रहा है। मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी द्वारा मदरसा अंजुमन इस्लामिया के प्रांगण में जागरूकता रथ को रवाना किया गया।
इस अवसर पर अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष प्रोफेसर नसीम अहमद, सचिव मोहम्मद तैयब, मदरसा अंजुमन इस्लामिया के सचिव डॉक्टर परवेज अजीज, खुर्शीद अजीज, शशि भूषण कुमार आदि ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। मौके पर अंजुमन इस्लामिया के सदस्य, मदरसा के सदस्य के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी हमें देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़। सच की आवाज़। नमस्कार।